हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम आज कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर सीएस, आई मीन लॉजिकल रीजनिंग आखिर कंपनी सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और उससे जुड़े हुए कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर सीएस, वी नो वेरी वेल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट? कॉर्पोरेट की दुनिया देखने में कितनी शानदार लगती है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये बड़े बड़े लोग, सूट वूट, गाड़ी, ये वो, काम भी उतना ही रहता है। समझ में आ रहा है? काम भी उतना ही रहता है। ये जो चकाचौंध आप देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा डिवोशन होता है, तब जाके ये चीज उस लेवल तक पहुंचती है। तो यहां पर जो भी चीज है मल्टीपल रोल है, किसका? सीएस का। कैसे? देखो, कंपनी सेक्रेटरी अगर आप जिस दिन बनोगे, या तो आप जॉब करोगे या तो बोलोगे मैं खुद का बिजनेस चालू करता हूं एज ए कंपनी सेक्रेटरी, तो आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ठीक है कि नहीं है? मींस कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन रियल लाइफ में प्रैक्टिस में करोगे। आपके पास फर्क यह है दोनों में कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तो आप पर्टिकुलर कंपनी का काम करोगे एज ए सीएस, और जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आप एक से ज्यादा कंपनी का काम उठा सकते हो एज ए सीएस। तो इतने सारे काम हाईलाइट करके रखे हुए आईसीएसआई ने, जस्ट ऊपर ऊपर समझ लेते हैं क्योंकि आगे जाकर हम इन चीजों को लीगल वे में समझने ही वाले हैं। तो यहां पर देखो, अगर आप किसी कंपनी में जुड़ते हो तो देखो आपके रोल कितने सारे, मल्टीपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोल तो यहां पर दे ही दिया बड़े बड़े पैमाने पर। तो सोचो इसके अंदर की कैटेगरीज कितनी होंगी। ये तो सिर्फ ऊपर का एक लेयर है, लेकिन अंदर की बारीकियों से भरा हुआ लेयर कितना होगा। इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा सर कि सर समझ में आ रहा है सर, टास्क बहुत बड़ा है और दिमाग एकदम शांत रखना है और एकदम क्लियर रखना है, शार्प रखना है। दैट्स ग्रेट। एडवाइजर टू द बोर्ड डायरेक्टर, डायरेक्टर को एडवाइस करने का काम करता है। केएमपी है, ये हम डिस्कस करेंगे। की मैनेजरियल पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाबी, बनताले की चाबी। कंप्लायंस ऑफिसर है ना, कि किन चीजों को परमिशन देनी है नहीं देनी है। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर है, क्योंकि रिस्क बहुत होता है कॉर्पोरेट में, उसको मैनेज करना आना चाहिए। चीफ गवर्नेंस ऑफिसर है, क्योंकि कानून को सही तरीके से चलाना है तो उसको गवर्न करने वाला चाहिए और बड़े लेवल पर चाहिए, तो चीफ गवर्नेंस ऑफिसर। कॉर्पोरेट प्लानर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, यस, प्लान कैसे बनाया जाए, कैसे हम कॉर्पोरेट को अच्छे से रन कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी। बहुत जबरदस्त, सुनने को बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन काम भी बहुत तगड़ा रहता है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, गाना सुना ना, वैसा कुछ हो जाता है। अच्छा ना, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस में भी देखो क्या है, आप ऑडिट करोगे, सेक्रेटरियल ऑडिट करोगे, है ना। एक्सपर्ट अंडर कॉर्पोरेट लॉ, एक्सपर्ट हो आप, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो आप, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। ये बहुत अंदर की बातें हैं, इसमें मैं आपको बहुत डीप में अभी नहीं लेके जाना चाहता हूँ, अभी जस्ट आपकी शुरुआत है। बस आप इतना समझ के चलिए कि वैल्यू चीज को, किसी चीज की प्रॉपर वैल्यू देनी है, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, जिससे वाइंडिंग अप के टाइम पर पता लगा सकते हैं कि इसकी कंपनी की कितनी वैल्यू होगी। ऐसा कुछ बहुत कुछ है आगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कोई कंपनी जो है बंद होने वाली है, दिवालिया निकल रहा है, तो उस समय के लिए। एनसीएलटी प्रैक्टिशनर, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इट्स लाइक अ कोर्ट, जहाँ पर फास्ट ट्रैक वे में कंपनी के सारे मैटर सॉल्व होते हैं, वहां पर आप एज एन प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। इंटरनल ऑडिटर कंपनी के अंदर की ऑडिट के लिए, जीएसटी प्रोफेशनल, गुड सर्विस टैक्स, सर्टिफिकेशन सर्विस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं, सिग्नेचर्स लगते हैं। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, बापरे, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब सुना है। इंटरनेशनल ट्रेड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, देख लो कितने बड़े लेवल पर काम है। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सर्विसेज, मतलब समझौता करने वाला बंदा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल रोल है। तो अगर इतना सारा रोल है तो जिम्मेदारी अगर इतनी ज्यादा है तो सतर्क भी रहना पड़ेगा। जिस तरह से घर पर माँ ऑफिस का भी काम करती है और घर का भी काम करती है और बराबर सारी चीजें टाइम पर हैंडल करती है, मानते ना ये बात को? तो सोचो किस तरह से पूरे दिन भर जो है उसके दिमाग में कितनी बातें चलती रहती है, और जब वो सारी चीजें सही तरीके से हमारे सामने रखती है तो हमको लगता है वाह कितना अच्छा काम करती है ना, हमें भी करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया है इन शॉर्ट कि कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्स टू रिजॉल्व वेरियस इश्यूज इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टू इंश्योर कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट।
सच्चे मन से, ठीक है कि नहीं? तो इन सब चीजों के लिए क्या लगेगा, रिक्वायर्स सम कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड अजम्पशंस। कोई बातें हैं उसमें कितने सारे अजम्पशन बन सकते हैं, उन सबको समझ कर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, तब जाकर जो है वो वेरियस इश्यू और जो भी कंप्लायंस है उसको क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। समझ में आ रहा है? Hence, logical reasoning is becoming more important day by day in the entrance test of professionals. Yes, आपको IAS IPS officer बनना है तो वहीं पर तो by default logical reasoning है। आप government की कौन से भी exam दो, वहाँ पर logical reasoning by default बैठा हुआ है। सवाल ये उठता है कि फिर professional degrees जो है CS, CS, CMA वहाँ पर क्यों नहीं रखा गया है? ये तो बहुत अच्छा कर दिया कि ICSI ने CS के लिए entrance level पर ये एक topic रख दिया है। Yes. इससे आपको पता चलेगा कि मुझे बाहर जाकर और किस तरह से काम करना होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे मेनली जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग एक पूरा पार्ट बी है, एम आई राइट? पेपर टू में पार्ट बी है। इसके अंदर तीन बड़े बड़े सेक्शन हैं, पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा वर्बल रीजनिंग, तीसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। चलो आगे देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको मिलेगा मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, और आपको उससे कंक्लूजन निकालना है, एबिलिटी टू इंटरप्रेट पैटर्न्स। इसमें आपकी ना एबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या कि हम ना ये जो पैटर्न्स दिए गए हैं इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स इसमें थोड़े ज्यादा मिलेंगे आप लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन दी शेप्स। सर एग्जैक्टली कैसे समझें इसको, एग्जैक्टली समझने के लिए हम आगे के जब प्रॉपर उस टॉपिक्स में आएंगे तब समझेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? फिलहाल आपको यही बातें ध्यान में रखनी है, लास्ट में रिवाइज करेंगे इसको। नेक्स्ट, वर्बल रीजनिंग, वर्ड्स का खेल, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल टाइप का पैटर्न, नॉट एग्जैक्टली नंबर्स लेकिन मैथमेटिकली टाइप का पैटर्न होगा जिसमें वर्ड्स भी होंगे, और वर्बल रीजनिंग प्योरली कंसेप्ट फ्रेम इन वर्ड्स जिससे कंक्लूजन निकालना है और हम लोग की एबिलिटी बढ़ेगी इससे कि हम उसको कंस्ट्रक्टिवली मतलब प्रॉपर तरीके से उसको सोच सकें और आंसर फाइंड आउट कर सकें, ना कि सिर्फ रीडिंग के बेस पर करें। इज दैट क्लियर? नॉन वर्बल, जो वर्बल नहीं है वो नॉन वर्बल है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम्स। तो यहाँ पर क्या दिया है, डायग्रामेटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्म्स, पिक्चर्स रहेंगे, मिसिंग कैरेक्टर्स एंड ऑल, ये सब फाइंड आउट करना है। इसमें भी इसी के बेस पर कंक्लूजन निकालना है, ability to understand and analyze visual information, ताकि आप उसको विजुअल कर सको। आपको कोई कहानी सुनाते हैं तो आप कैसे उसको visualize करते हो, that is the non-verbal reasoning type वाला फंडा। आप किसी चीज को रीड कर रहे हो words को और उसको analyze कर रहे हो, that is the verbal reasoning type वाला फंडा। और जहाँ पर थोड़ा calculative parts आ जा रहा है, that is the logical reasoning। हालांकि इसको मैं simple way में कहूँ तो logical reasoning में ही ये दोनों part है, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पर जो पहला लॉजिकल रीजनिंग एरिया दिया है इसको एक अलग नाम देना चाहिए था ICSI इंस्टीट्यूट ने, लेकिन नहीं दिया है, तो इसीलिए जिस हिसाब से आपको मॉड्यूल में दिया गया है मैंने उसी हिसाब से बताया है। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, भी इसमें अपने लिए ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि इसके तीन हिस्से क्या हैं करके, हमको बस इसमें ये समझना कि अच्छा कोई मैथमेटिकल टाइप में रहेगा रीजनिंग थिंकिंग लेवल, कोई वर्ड्स लेवल पे रहेगा थिंकिंग लेवल, कोई डायग्रामेटिक वे में रहेगा। दैट्स इट, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिकल वे, वर्ड वे एंड डायग्रामेटिक वे, दैट्स इट। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, आगे बढ़ें। तो अब इसके अंदर के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो देखो कितना सारा हम कवर करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा, हालांकि आपको जो है बेसिक लेवल पे दिया गया है उसको ही कर लें, बहुत अच्छी बात है। ICSI के हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग में आपको कैलेंडर, कॉज इफेक्ट, क्लॉक्स, डिकोडिंग डिकोडिंग, पैसेज का कंक्लूजन, ड्रॉइंग इन्फरेंसेस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेटमेंट, अजम्पशन, ये दिए गए हैं। हालांकि इसमें कुछ वर्बल रीजनिंग के भी टॉपिक्स हैं, एज जितना मुझे समझ में आ रहा है, आप इनिशियली इतना नहीं समझ पाएंगे, फिर भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटिव वे में देखो तो देखो जो हमने मैथमेटिकल बोला था, तो देखो कैलेंडर का कैलेंडर प्योरली आप देखोगे तो कैलकुलेटिव वे है, क्लॉक्स है, कोडिंग डिकोडिंग में भी कहीं ना कहीं नंबर्स यूज होते हैं, नंबर टेस्ट हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज हैं, ये प्योरली जो है मैथमेटिकल बेस्ड हैं, और उसमें से कुछ बाकी जो हैं ये वर्बल रीजनिंग में भी आ जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ICSI ने हमें ऐसे बनाकर दिया है तो हमें इसी हिसाब से चलना है।
इज दैट क्लियर? गुड. अब देखो वर्बल रीजनिंग में आपको क्लियरली वर्ड्स वाले पंडित दिख जाएंगे. अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिकल पजल्स, एनालॉजी, असर्शन रीजन. कुछ कुछ वर्ड नहीं समझेंगे, डोंट वरी, बाद में कवर करेंगे, अभी इतना चर्चा में नहीं लाना है. ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर्स, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग टाइम, सिलोगिज्म, ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स. इसमें भी कुछ हिस्से जो है नॉन वर्बल में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी है तो अभी ऐसे ही पढ़ें. तो नॉन वर्बल में आ जाए, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, कंप्लीट इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स, मिरर इमेज, रूल डिडक्शन. ये प्योरली जितने भी दिए हैं सब नॉन वर्बल रीजनिंग ही है. इज दैट क्लियर और नॉट? ICSI ने इनिशियली जो हमें रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है बनाकर दिया है कि इमीडिएट बेसिस पर बच्चों को मिल सके, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. लेकिन अभी भी मैं क्लियर कह रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल पर फोकस नहीं करना है. फोकस करना है ये सारे टॉपिक्स पे, 9 + 12 दैट इज 21 + 7 28 टॉपिक्स पे. वी आर गोइंग टू कवर 28 टॉपिक्स इन पार्ट बी. इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. दैट्स ग्रेट. सो फाइनली फॉर दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट दीज 28 टॉपिक्स. टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत. सी या.